सीएम योगी ने कहा मोदी जी के नेतृत्व में चार राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी के विकास और सुशासन को फिर से जनता ने अपने आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन आया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमने दिखा दिया कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के हिस्से केवल हाथ आई हताशा और मायूसी। पंजाब गंवाने के साथ ही पार्टी को बाकी चार राज्यों में भी शर्मनाक प्रदर्शन का करना पड़ा सामना। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार जीत। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें हासिल की है। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर जताया भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास रचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता जनार्दन का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद को तिलांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों पर भरोसा जताया है। ये प्रचंड बहुमत भाजपा के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए हम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भाजपा के ऐतिहासिक जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चार राज्यों में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन चार राज्यों में प्रधानमंत्री के विकास और सुशासन को जनता ने फिर अपना आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने सहयोगियों के साथ 273 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 110 सीटों पर जीत हासिल की है। चुनाव में हार के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन आया है और ट्वीट कर कहा कि हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने लिखा, उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के हिस्से केवल हताशा और मायूसी ही आई। पंजाब गंवाने के साथ ही पार्टी को बाकी चार राज्यों में भी शर्मनाक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने इस बार प्रियंका गांधी को आगे करके नया दांव चला था। उसे उम्मीद थी कि प्रियंका रूठे मतदाताओं को पार्टी की तरफ मोड़ सकेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहां से कांग्रेस के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल है। बता दें कि फिलहाल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की अपने बूते सरकार है, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में वह गठबंधन सरकार में है। पुडुचेरी के बाद पंजाब के रूप में कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य फिसल गया है। पार्टी अपने 125 साल से ज्यादा के इतिहास में सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। कांग्रेस नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां आपसी खींचतान, गुटबाजी और अनुशासनहीनता हावी है। पंजाब में सत्ता गंवाने और उत्तराखंड में सत्ता में आने का मौका चूकने के पीछे पार्टी की आपसी खींचतान को ही प्रमुख वजह माना जा रहा है। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी दलों को पटखनी देते हुए धमाकेदार जीत हासिल की है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर पंजाब में कुल 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें हासिल कर ली हैं, जो कि एक जबरदस्त आंकड़ा है, बंपर जीत है। बता दें कि पंजाब विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस को 18 सीटें, श्रीमणि अकाली दल को 3 सीटें, बीजेपी और बसपा को एक एक सीट मिली है। साथ ही निर्दलीय के खाते में भी एक सीट आई है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 40.01% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस ने 22.98% वोट हासिल किया है। इसके अलावा बीजेपी को 6.60% और बसपा को 1.77% वोट मिले हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान आतंकवादी बताए जाने पर विरोधियों की क्लास लगा दी। केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को
कमाल का बताया। उन्होंने कहा कि हमें पंजाब से प्यार है। उन्होंने सत्ता परिवर्तन को बहुत बड़ा इनकलाब बताया। पंजाब विधानसभा चुनाव के रुझानों में आम आदमी पार्टी बड़ी भारी बहुमत के साथ जीतती नजर आई। आंकड़ों के मुताबिक आपको पंजाब में दो तिहाई बहुमत मिला है, वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर बनी रही।